हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी स्पेशल बाय लव चौधरी। तो आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.4 स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने 8.3 एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट कर दी थी। तो आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.4 स्टार्ट करने वाले हैं। तो जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है, एक्सप्रेस एज रुपीज यूजिंग डेसिमल, मतलब हमें पैसे से कन्वर्ट करना है उसको रुपीज़ में यूजिंग डेसिमल्स। तो पहले पार्ट में लिखा है 5 पैसे, तो 5 पैसे को रुपीज़ में कैसे कन्वर्ट करेंगे, अब ये देखते हैं। तो पहले पार्ट में लिखा हुआ है 5 पैसे, तो पहले हम एक जनरल नॉलेज ले लेते हैं। वी नो दैट 100 पैसे इज इक्वल्स टू 1 रुपीज, हमें पता है कि 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। तो हम इसको किससे डिवाइड करेंगे, मान लो 5 पैसे हैं और कितने होते हैं 5 पैसे हैं और एक रुपये में कितने पैसे होते हैं 100, तो इसको हम डिवाइड भी 100 से करेंगे, जिसका डेसिमल आंसर आएगा 0.05 रुपीज़। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है हमारा 75 पैसे, तो 75 पैसे को 100 से डिवाइड करते हैं, तो 75 को 100 से डिवाइड करा तो 0.75 रुपीज़ आंसर आएगा। ठीक है, डी पार्ट है हमारा 50 पैसे 90 रुपीज़, तो 50 पैसे 90 रुपीज़ मीन्स 50.90 रुपीज़। फिर नेक्स्ट पार्ट है 725 पैसे डिवाइडेड बाय 100 कितना आएगा 7.25 रुपीज़। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ को। तो हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जिसमें लिखा हुआ है एक्सप्रेस एज मीटर्स यूजिंग डेसिमल, मतलब हमें इसको सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना है। तो पार्ट ए में लिखा हुआ है 15 सेंटीमीटर, तो 15 सेंटीमीटर को मीटर में कैसे चेंज करेंगे, अब वो देखते हैं। तो पहले पार्ट में लिखा हुआ था 15 सेंटीमीटर, तो जनरल नॉलेज के हिसाब से हमें ये पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो हम 15 को किससे डिवाइड करेंगे 100 से, तो 15 को 100 से डिवाइड करने पे डेसिमल आंसर आएगा 0.15 मीटर, जो कि हमारा इस पार्ट का आंसर होगा। नेक्स्ट पार्ट में लिखा है 6 सेंटीमीटर, तो 6/100 में क्या आएगा 0.06 मीटर, सी पॉइंट है 2 मीटर 45 सेंटीमीटर, तो 2.45 मीटर। ये प्लस मैंने इसलिए लगाया, आपको कहीं भी ये दिख जाए 2 मीटर 45 सेंटीमीटर है तो उसके बीच में बस पॉइंट लगा दो और इन दोनों कटा दो और जो जिसमें कन्वर्ट करना है वो लगा दो, बस आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 के लास्ट पार्ट में लिखा है 419 सेंटीमीटर, तो 419 डिवाइडेड बाय 100 क्या आएगा 419 मीटर, जो कि डेसिमल आंसर इसका होगा। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है एक्सप्रेस अ सेंटीमीटर यूजिंग डेसिमल, तो हमें इसको mm से सेंटीमीटर में चेंज करना है डेसिमल को यूज करके। तो पहले पार्ट में लिखा हुआ है 5 mm, अब देखते हैं इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे। तो अब हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर ए पे, जिसमें लिखा हुआ है 5 mm, तो 5 mm हम ये जानते हैं कि 1 इंच में 10 mm होते हैं, तो 5/10 करेंगे क्योंकि 10 mm होते हैं 1 इंच में, तो सॉरी 1 सेंटीमीटर में, तो 5/10 कितना हो जाएगा 0.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट पार्ट है हमारा 60 mm, तो 60/10 करेंगे तो 6.0 सेंटीमीटर आएगा। डी पार्ट है हमारा 9 सेंटीमीटर और 8 mm। तो अब मैंने आपको पहले बता दिया प्लस का मतलब पॉइंट होता है, जिसको आप इधर भी लिख सकते हैं 9.8 सेंटीमीटर। ये आप क्वेश्चन जो है बहुत इजी होते हैं, जिनको कुछ लोग हार्ड भी समझने की कोशिश करते हैं, पर इनको हार्ड समझने की कोई भी कोशिश नहीं है। ई पार्ट है हमारा 93 mm, तो 93/10 करेंगे तो 9.3 सेंटीमीटर इजीली निकल जाएगा। तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है एक्सप्रेस एज km यूजिंग डेसिमल्स, मतलब हमको मीटर से किलोमीटर में इनको कन्वर्ट करना है। तो पार्ट में लिखा हुआ है 8 मीटर, 8 मीटर को हमें किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट में लिखा था 8 मीटर, तो वी नो दैट देयर आर 100 मीटर्स इन 1 km, मतलब 1 किलोमीटर में 100 मीटर होते हैं, तो 8/1000 करेंगे तो 0.008 km आ जाएगा। तो बी पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। सी पार्ट है 8888 mm, मतलब 8888 मीटर है, तो 8888 मीटर को हम रखेंगे 1000 के नीचे, जिसका डेसिमल पॉइंट निकल के आएगा, हम इसको डिवाइड करेंगे तो 8.888 km। डी पार्ट है 70 km 5 mm, तो मैंने आपको पहले बता रखा है प्लस का मतलब कुछ नहीं है, बस 70.5 km लिख दीजिए, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसा कि मैंने इसको नीचे भी लिखा हुआ है।
तो अगर के एम में डिवाइड 1000 से करना है तो आप इधर 2 0 लगा दीजिए बस, और कुछ नहीं ज़्यादा एक्स्ट्रा ऐड करना। तो क्वेश्चन नंबर 4 के भी पार्ट्स हो चुके हैं, अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है एक्सप्रेस एज के एम यूजिंग डेसिमल्स, मतलब हमको ग्राम से किलोग्राम में इनको चेंज करना है। पार्ट ए में लिखा हुआ है 2 ग्राम, तो 2 ग्राम को जी में कैसे चेंज करेंगे देखते हैं। पार्ट ए में लिखा हुआ है 2 ग्राम, सो वी नो दैट देयर आर 1000 ग्राम इन 1 kg, मतलब हमको पता है कि 1 kg में 1000 ग्राम्स होते हैं। तो उस हिसाब से 2 किससे डिवाइड होएगा, 1000 से, तो जिसका डेसिमल पॉइंट आएगा 0.002 kg। बी पार्ट है 100 ग्राम, 100 को 1000 से डिवाइड करते हैं तो 0.1 kg आंसर आएगा। सी पार्ट है 3750, तो 3750 डिवाइडेड बाय 1000 करते हैं तो 3.750 kg आंसर आएगा। डी पार्ट में लिखा हुआ है 7 kg 8 ग्राम, तो इसका आंसर क्या आएगा, आगे लिखा हुआ है 5.008। इसमें 00 इसलिए ऐड करा गया क्योंकि 1000 से डिवाइड करना है। मान लीजिए इधर 5 है, सॉरी इधर 5 लिखा है, इधर 1 लिखा है, बस आपको कुछ नहीं करना, 1 जो है इसको 5 बना लेना है, इधर डेसिमल पॉइंट लगा लेना है, 2 डिजिट छोड़ के जो भी आपका नंबर है एंड का 8, तो इधर 8 लगा लेना है, आपका आंसर आ जाएगा जिसको आप किलोग्राम में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है हमारा 26 kg and 50 ग्राम, तो 26.050 kg इसका आंसर होगा 1000 डिवाइड करके। तो आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.4 पूरी फिनिश कर चुके हैं। तो आपको ये पता चल रहा होगा कि मैंने इसमें हर एक क्वेश्चन में 1 से 2 पार्ट जरूर छोड़े हैं, तो वो आपकी लर्निंग के लिए आप उनको कमेंट सेक्शन में उनके आंसर मुझको दे सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब।